हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है कि सोशलाइजेशन क्या होता है जो बचपन से लेकर इन्फेंट एक ग्रेजुअली जो सीखते हैं नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं स्किल गैदर करते हैं वो कल्चर के साथ मिलने के लिए जहाँ पे मतलब मिक्सअप होने के लिए सीखने के लिए जहाँ पे वो बॉर्ण हुआ है ठीक है हम कैसे सीखते हैं फैमिली मेम्बर दैन लार्ज किन का किन ग्रुप का मेम्बर बनते हैं दैन लार्जर सोसाइटी का मेम्बर बनते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस ग्रुप लिंग्विस्टिक ग्रुप ठीक है दैन मेम्बरशिप होता है हमारा बहुत सारे रोल्स होते हैं मल्टीपल रोल्स ठीक है तो आज हमारा टॉपिक है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन मेरा आवाज़ थोड़ा बहुत हो सकता है बिकॉज आई एम लाइक लिटर बिल एंड आई एम सॉरी फॉर दैट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आज हम बात करेंगे ठीक है द साइल इज सोशलाइज बाई सेवरल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन हुई और शी पार्टिसिपेट्स ठीक है It, एक साइल जो होता है ना वो सोशलाइज होता है सेवरल एजेंसीज के साथ इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर एग्जांपल फैमिली एक इंस्टीट्यूशन हो गया स्कूल पीयर ग्रुप्स नेबरहुड ऑकोपेशनल ग्रुप्स हो सकता है सोशल क्लास कास्ट रिलीजन हो सकता है रीजन हो सकता है हर किसी के साथ एक साइल सोशलाइज होते हैं सोशलाइज होना सीखते हैं बिहेव कैसे करना है एक सोसाइटी में वो सीखते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट हमारा है फैमिली फैमिली कैसा हो सकता है न्यूक्लियर भी हो सकता है एक्सटेंडेड भी हो सकता है न्यूक्लियर में हमने बात किया था कि जहाँ पे पेरेंट्स होगा एंड सिब्लिंग्स होगी एंड एक्सटेंडेड में क्या होगा पेरेंट्स होगा ग्रैंड पेरेंट्स होगा एंड उनके भाई बहन मतलब अपने पापा का भी सिबलिंग्स योर अंकल आंट उनके भी बच्चे होंगे ठीक है ए न्यूक्लियर फैमिली विथ योर पेरेंट्स एंड सिब्लिंग्स अदर्स मे बी लिविंग विथ एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो मैंने बात किया द फर्स्ट केस पेरेंट्स मे बी की सोशलाइजिंग एजेंट्स बट इन अदर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल ए कजिन मे बी मोर सिग्निफिकेंट अभी अभी हम अगर न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो हमारा सोशलाइजेशन का जो हम सोशलाइज़ होंगे तो उनका मेन फैक्टर कौन होगा हमारा पेरेंट्स हो सकता है और हमारा सिबलिंग्स हो सकते हैं दो ही लोग हो सकते हैं ठीक है एंड अदर केस में क्या हो सकता है आपका ग्रैंड पेरेंट्स का भी हाथ हो सकता है अंकल्स कजिन हो गया ठीक है तो वो लोगों का भी हाथ हो सकता है आपकी सोशलाइजेशन में देन इन मोस्ट ट्रेडिशनल फैमिली इन टू हीस ए परसन इज बॉर्न लार्जली डिटर द इंडिविजुअल सोशल पोजिशन फॉर दस्ट ऑफ हीसर लाइफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज में यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कास्ट सिस्टम के ठीक है अगर आप अपर कास्ट में जन्म लिए तो आप अपर कास्ट ही रहेंगे पूरी लाइफ टाइम ठीक है एंड इफ यू आर बिलोंग्स टू लोअर कास्ट लॉअर कास्ट देन आप लॉर कास्ट ही रहेंगे इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में था बट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ अगर हम बात करें कि आप uh, का फादर एक डॉक्टर है या फिर आपका फादर एक मिलिट्री है मिलिट्री में जनरल uh, है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी जनरल कैप्टनसी uh, ये सब मिल जाएगा डॉक्टर डिग्री आराम से मिल जाएगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता आपको अर्न करना पड़ता है इन मॉडर्न सोसाइटी में बट ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था जनरेशन वाइज कि आपके पिता जो करते हैं वही आपको मिल जाता था ठीक है देन हमारा हो गया पीयर ग्रुप्स पीयर ग्रुप्स आर फ्रेंडशिप ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए सिमिलर एज फॉर एग्जाम्पल मेरे पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं ट्वेंटीज के स्टूडेंट ठीक है ट्वेंटीज के स्टूडेंट जो अब यूपीएस की प्रिपेरेशन करे या फिर कुछ और मास्टर्स करे ग्रेजुएशन करे वो हो सकते हैं तो दीज आर लाइक माई पीयर ग्रुप्स एट द एज ऑफ ट्वेंटीज के ठीक है द वर्ड पीयर मींस इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एस्टाब्लिश बिटवीन यंग चिल्ड्रेन डू टेंट टू बी रीजनेबली इकटेरियन तो यहाँ पीयर मतलब क्या है इक्वल एंड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के बाद फ्रेंडली रिलेशनशिप यूजली ऑफ एंड इंपॉर्टेंस इन शेपिंग इंडिटी एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऐसे एक टॉक्स है कि आपके पाँच लोग आपके लाइफ में जितने पाँच लोग हैं उन्हीं का आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो इसीलिए बोलते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहिए उन माइंड सेट वाले लोगों के साथ रहिए जैसा आप अचीव करना चाहते हैं आप यूपीएससी एक्सपर्ट हैं तो सराउंड योर सर्व विद डैट लाइक माइंडेड पीपल तो आपका जो सक्सेस रेट है ना वो ज्यादा हो जाता है एटीट्यूड उस तरीके से हो जाएगा बिहेवियर भी उस तरीके का हो जाएगा ठीक है स्कूलिंग स्कूलिंग क्या है इज़ ए फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे फॉर्मली सब कुछ होता है कि आपको आना है पढ़ाई करना है एग्जाम देना है देन रिजल्ट आएगा एंड यू नेक्स्ट क्लास में आप चले जाएंगे ठीक है देयर इज़ ए डेफिनेट करिकुलम ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीज होता है कि इतने इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है ये क्लास का ड्यूरेशन है जो फोर्टी फाइव मिनट्स का क्लास है वन आवर का क्लास है सिक्स क्लास होगा लेजर टाइम होगा ऐसे करके एक करिकुलम होता है सब्जेक्ट uh, स्टडीज करने का हिडन करिकुलम कंडीशनिंग कंडीशन इंग लर्निंग हिडन करिकुलम जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर आप बात कर लें कि uh, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है स्कूल में ना इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में देखा गया है कि गर्ल्स लोग ना ऐसे झाड़ू मारते हैं हम भी देखते हैं स्विप करते हैं इन द क्लासरूम बट बॉयज़ रेयरली करते हैं करते ही नहीं है ऐसा ही एंड इन रूरल एरिया मोस्टली तो ऐसा कुछ है ही नहीं ठीक है कि बॉयज़ कुछ करें वो लड़कियाँ ही सारा सब कुछ काम वाम करती हैं हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी वही सिस्टम था मास मीडिया और एक सोशलाइजेशन uh, का एजेंट हो, तो हो, हो सकता है हमने देखा सोशलाइजेशन का एजेंट पहले तो फैमिली हो गया देन पीयर ग्रुप्स हो सकता है सोशलाइज होना पीयर ग्रुप के साथ ठीक है देन स्कूलिंग हो गया हमारे सोशलाइजेशन का सेकंड फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर देन मास मीडिया हो सकता है सोशलाइजेशन का कैसे द मास मीडिया हैज इंक्रीजिंगली बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरी डे लाइफ टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस मास मीडिया हमारा जो एवरीडे लाइफ है मास मीडिया किसे कहते हैं प्रिंटर्स न्यूज़ पेपर्स बुक्स दैन इंटरनेट एवरी थिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडिया ठीक है इवन इन द अर्ली प्रिंट मीडिया इन नाइनटीन सेंचुरी इंडिया कंडक्ट बुक्स इंस्ट्रक्टिंग वुमेन ऑन हाउ टू बी बेटर हाउस कीपर्स एंड मोर अटेंटि वाइफ व पॉपुलर इन मैनी लैंग्वेजेस तो यहाँ पे बताया गया है कि uh, जब नाइनटीन सेंचुरी में ना कैसे अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं देर इज द सेम कि uh, uh, क्या बोलते हैं हजबेंड uh, uh, तभी प्यार करेंगे जब अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे मतलब तो ऐसा एक सेम है न कि खाना अच्छा अच्छा खिलाना होता है दर इज आई दिंग आफ गें डोंट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विल इफ यू गाइस एनी ऑफ द रिमेंबर द सेंग तो ऐसा एक सेंग है ना कि हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ तो प्यार uh, मिलेगा ज़्यादा तो इसीलिए और कंडक्ट uh, की आप अटेंटिव वाइफ कैसे बन सकते हो अच्छी वाइफ कैसे बन सकते हो देर इज नो बुक्स लाइक कि आप एक अच्छा हस्बैंड कैसे बन सकते हो uh, कैसे अपने वाइफ को हेल्प कर सकते हो बट देर इज बुक्स रिगार्डिंग की इंस्ट्रक्ट दिया गया है आप अटेंटिव वाइफ कैसे बन सकते हो दिस क्या ये प्रिंट मीडिया का सोशलाइजेशन है सोशलाइजेशन प्रोसेस है देख सकते हैं वुमेन के रिगार्डिंग सोशलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे देर हैज बिन मच रिसर्च ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन अपन चिल्ड्रेन एडरल्स एंड अगेन हम बात कर सकते हैं टेलीविजन का ठीक है चिल्ड्रेन uh, लोग टेलीविजन uh, में लाइक like, uh, जो भी देखते हैं दे ट्राई टू रिप्लीकेट द थिंग्स इन दियर रियल लाइफ ऑल्सो एंड एडल्ट की बात करें हम तो दे मोस्ट स्पेंड दर टाइम जब भी फ्री होंगे दे वॉचिंग टीवी एंड उनके बिहेवियर जैसे फ्रेंड्स देख रहे थे तो फ्रेंड्स का उनका स्टाइल वगैरह देन देर इज दिस विडनेस दिस सीरीज तो उनका वो आ गया रील्स वगैरह में सो यू कैन सी लाइक एक एक वेब सीरीज आते हैं उनका रील्स बनना स्टार्ट होता है एंड पीपल बिहेव लाइक दैट मतलब कुछ कुछ एक्सेंट आ गया तो उनके एक्सेंट के रिगार्डिंग बात करने लगे कुछ कुछ ड्रेसिंग सेंस आ गया तो उनको ड्रेस Says, कुछ -कुछ तो ऐसे देखने को मिलता है एंड नाव रील्स इंस्टाग्राम यूट्यूब एक ट्रेंड आता है ना उसका ऐसे एडवर्टाइजमेंट होता है या फिर सोशल मीडिया में एंडलाइकली like सोशलाइजेशन है कि कहीं पर तो है मतलब आ, लोग बैठे हुए हैं ग्लोब में एंड इंटरनेट के जरिए हम वही सारी चीज यहाँ पे कर पा रहे ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के बिरयानी की बात करें अगर तो बिरयानी कब से ज्यादा फेमस होने लगा है लाइक like, बहुत ज़्यादा कि फॉरेन को भी पता है बिरयानी क्या होती है चाय दिस देर इज दिस कॉफी इंडियन कॉफी हमारे नॉर्थ ईस्ट में कॉफी का प्रचलन बहुत ही कम हो गया था बट नाउ स्टार कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट लाइक देख रहे हो सोशलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट मीडिया मास मीडिया लिंक बिटवीन ऑन स्क्रीन वायलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर एम चिल्ड्रेन इज स्टिल डिबेटेड जो देखते हैं ना एक्शन फिल्म देखते हैं एग्रेसिव बिहेवियर एंड कुछ कुछ तो ऐसा इंसिडेंट भी हो गया है कि सी आई डी सावधान इंडिया देख के लोग क्राइम तक कमिट करते हैं एंड देन दे लाइक उन्हीं से सीखते हैं कि ये सब जो भी है ना एविडेंस वगैरह कैसे क्या करना है तो उन्हीं से सीखते हैं देर इन्फ्लुएंस बाई बैड थिंग ऑल्सो एंड देर इज दिस गुड थिंग ऑल्सो सो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स Uh, uh, so, कि, कि महाभारत um, की बात कर रही है यहाँ पे, तो ऐसे और एक एग्जाम्पल ले सकते केप ऑप लाइक like, केप ऑप जो म्यूजिक है उनका हमको मीनिंग मोस्टली ऑफ द पीपल जैसे बीटीएस का वो मीनिंग मालूम ही नहीं बट दे आर वाइविंग विद तो यही पे बोला गया है ठीक है सोशलाइजेशन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो हमने देखा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम देर मे बी कंफ्लिक्स बिटवीन सोशलाइजिंग एजेंट्स कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बिटवीन स्कूल्स एंड होम कि स्कूल में ऐसे बोला गया है होम में ऐसे बोला गया है बिटवीन होम एंड पियर ग्रुप्स कि होम में uh, मतलब हमको uh, रात के छः बजे से बाद uh, बाहर जाना अलाउड नहीं है द पियर बोल रहे हैं कि चलो नाइट आउट करते हैं दस दस बजे तक रात को घूमेंगे ठीक है so there is there can be conflict ah uh, between socializing agents agencies also from birth to date we are involved in interaction with other certainly conditions our personalities ठीक है the values we hold ah uh, the behavior in which we engage birth से लेकर death तक हम involved होते ही interaction के साथ लोगों के साथ interact करते हैं हम uh, हमारे personality को हम ऐसे conditions करते हैं जो values हम hold करते हैं ना मरने से पहले लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे value का आ uh, इंसान था वो वो value हम throughout the लाइफ हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ जैसे बिहेव करते हैं तो वैसे ही हम उसको होल्ड करते हैं ठीक है हाउ जेंडर इज सोशलाइजेशन यहाँ पे जेंडर को कैसे सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन अगर जेंडर uh, के रिगार्डिंग हम बात करें तो बॉयज यूज द स्ट्रीज वर्सेज गर्ल्स बॉयज स्ट्रीट मतलब रोड को कैसे यूज करते हैं रात को गीड़िया मारने चले गए टपरी पे चाय पीने चले गए ऐसे घूम रहे हैं मतलब ऐसे घूम रहे हैं गप्पे मार रहे हैं गप्पे लड़ा रहे हैं बाइक चला रहे हैं कार चला रहे हैं ठीक है इन द अदर हैंड अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो स्ट्रीट को एज ए जस्ट क्रॉसिंग मतलब जा रहे हैं ठीक है एंड दे लाइक शालीन तब आप में चलेंगे गर्ल्स के लिए uh, मतलब स्ट्रीट एज ए ट्रेडिशन बात भी करें हम नॉर्मल भी बात करें तो एक चलने का लाइक जस्ट टू यूज़ एज ए ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ठीक है कि आप कहीं से जा रहे हैं तो स्ट्रीट का यूज़ करें दैट्स इट यहाँ पे ग्लोसरी में कुछ कुछ वर्ड्स दिया गया है ठीक है इन योर टेक्स यू कैन सी कल्चरल इवोल्यूशनरिज्म एस्टेट सिस्टम देन हमारा आ गया ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन तो कल्चरल इवोल्यूशनरिज्म uh,

और रिली जिसका है ठीक है विलेज लेवल पे मतलब छोटे छोटे स्तर पे सेल्फ इवेंट्स एंड इमेज ऑफ ए पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन द आईज ऑफ अदर सेल्फ इवेंट्स मतलब जो दूसरों के आईज में खुद को देखते हो एंड इमेज ऑफ ए पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन द आईस ऑफ अदर्स दैन सोशल रोल्स हो गया हमारा सोशलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल है यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल एज ए आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो आज हमने चैप्टर फोर कंप्लीट कर दिया है एंड कल से हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर फाइव ऑफ द क्लास इलेवन जो लास्ट चैप्टर होगा इस आ, क्लास के वन बुक का ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो जय हिंद मातरम